नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं वो बहुत सारी शक्तियाँ अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं आज के इस युग में किसी से प्यार करना कितना मुश्किल हो गया। कितने लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उसको हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं और वो लास्ट में नाकाम हो जाते हैं। वो दो जोड़े अलग हो जाते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पसंद है वो आपको मिल जाए या उससे आपकी शादी हो जाए या फिर जो पति पत्नी उनके बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनके कारण उनके बीच में मनमुटाव और विवाद हो के वो अलग अलग हो गए हैं या एक ही छत के नीचे रह के वो लोग एक नहीं हैं, ऐसे लोग भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आप जिसका भी जिसको भी आप चाहेंगे वो व्यक्ति दुनिया का सब कुछ छोड़ के आपके पास चला आएगा। इस क्रिया में इतनी शक्ति है दोस्तों, पर इसको करना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ है। आप जिसे चाहेंगे वो आपके पास होगा। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल में या वीडियो में लाइक अवश्य करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे ऐसी ही जानकारी आगे भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों आपको क्या करना है। दोस्तों आपके हाथ की ये जो अंगली है चार, उनमें से ये अंगली जो लास्ट अंगली के पास वाली अंगली, इस अंगली के नाखून पे आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर लिखना है। उसका जो भी नाम हो उस नाम का जो पहला अक्षर है वो इस अंगली पे आपको लिख लेना है, लास्ट अंगली के बाजू वाली अंगली। और वो काय से लिखना है, थोड़ा सा आपको शहद ले लेना है और शहद में लाल सिंदूर जो माता जी को चढ़ता है थोड़ा सा वो सिंदूर डाल लें शहद के अंदर। किसी भी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा शहद डालें और उसमें सिंदूर डालें और किसी लकड़ी से आप उसके नाम का पहला अक्षर इस नाखून पे लिखते हैं। थोड़ी ही देर में वो मिट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ना उसका पहला अक्षर लिखना है और उसके नाम का आप जहां भी बैठे किसी भी शुद्ध जगह पे बैठे, सुरक्षित जगह बैठे, साफ सुथरी जगह, अगर पूजा स्थान में बैठते हैं तो वहां भी आप इसको कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको ये क्रिया करते समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं इस क्रिया, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। नाम लिखने उसका नाम का पहला अक्षर इस अंगली पे लिखे, उसके बाद 21 बार बोलते हुए आपको उसके नाम को बोलना है, मतलब उसके नाम का 21 बार जाप करना है सामने वाले के नाम का। कितने बार बोलना है? 21 बार, 21 बार।
और आपको कुछ नहीं करना है, ना दीपक जलाना है, ना अगरबत्ती लगानी है, कुछ नहीं करना है। 21 बार नाम बोलने के बाद आपको लास्ट में बोल देना है आपको मेरे पास आना ही होगा, बस। उसके बाद आप वहां से उठ जाए, वो जो नाम लिखा है उसको आपको धोना नहीं है, आपको हाथ से नहीं मिटाना है। अपने आप अगर मिट जाता है तो ठीक है, आपको उसको नहीं मिटाना है, बस। दोस्तों 3 दिन नहीं हो पाएंगे, उससे पहले या तो सामने वाले का फोन आ जाएगा, या वो खुद ही चल के आ जाएगा, या आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, और वो जीवन भर आपकी हर बात मानेगा, कभी भी आपकी किसी बात का विरोध नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको समझने में अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।